स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में पड़ा घंटे के बटन को दबा दीजिए। फिर जब हम नया वीडियो डालेंगे तो ये घंटा का बटन बजेगा और आपको जानकारी मिल जाएगा कि हमने एक नया वीडियो अपलोड किया है। रोबस्ट न्यूज़ है ये, और रोबस्ट न्यूज़ में हम ऐसे ही खबर को लेके आते हैं। यानी पहले आप बात को समझिए, रोबस्ट किसको कहते हैं? रोबस्ट कहते हैं लताड़ू या बहुत ज़्यादा शक्तिशाली या बहुत ज़्यादा ही मजबूत। तो हम ऐसी खबर को लेकर आते हैं जो काफ़ी मजबूत है और दमखम रखता है। तो दोस्तों ये एक ऐसी दवाई है जो 95% लोग बगैर जाने ही इस्तेमाल करते हैं और बड़े मज़े से ही इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आप भी इस्तेमाल करते हो, अगर नहीं करते हो तो थोड़ा जान लीजिए फिर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको इसका बुरा असर क्या है उसको भी समझ लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बगैर समय गंवाए मैं आपको बता दूं कि ये जो दवाई आप देख रहे हैं और इसको अगर आप बगैर डॉक्टर के सलाह से ले रहे हैं तो ये मनकाइंड कंपनी का ओरिजिनल दवाई है और इसका नाम है मैनफोस 50 mg। अगर आप इसका सेवन करते हैं, आप इसकी गोली को खाते हैं तो आपके चेहरे में एक सूखापन टाइप का आ जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सिर में सर दर्द होता है और अनिद्रा आ जाती है, यानी नींद का प्रॉब्लम आ जाता है। और तो और अगर आप एक दो टेबलेट खा लेते हैं तो आपके पैनिस में एक जलन सा या दर्द सा होने लगता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैनिस बिल्कुल इरेक्टाइल हो, यानी कि खड़ा होना ही छोड़ दे, यानी कि ऐसा भी संभव है। और तो और आपके पांव घुटने में तकलीफ़ की बीमारी हो सकती है, सिर में सर दर्द का बीमारी हो सकता है, सर में दर्द रह सकता है, नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा गोली खा लेने से एक्सीडेंट की समस्या हो सकती है, आपको आगे दिखाई कम पड़ सकता है, या आप अगर गाड़ी चला रहे हों इस टेबलेट को खाने के बाद तो आपको आगे दिखाई ही नहीं पड़े और आपकी एक्सीडेंट की जो ये है संभावना है 99% संभव है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। यानी कि इस गोली को आप अगर खाते हैं जिस काम के लिए, और वो अगर 1 घंटा पहले खाते हैं और अगर इसका यूज नहीं करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेनिस खड़ा ही ना हो और उसकी ये प्रॉब्लम हो जाए कि आपको उसमें जलन फील हो और भविष्य में वो खड़ा ही ना हो, तो ऐसा भी संभव है। अतः इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट को समझ लें और बगैर डॉक्टरी सलाह के ना खाएं। जो दोस्त बंधु अपने दोस्तों की राय से या विचार से इसका सेवन करते हैं, खाते हैं, उन्हें झेलना पड़ता है और वो फिर बताते नहीं है दूसरे दोस्तों को, जिससे कि ये जानकारी का अभाव बना रहता है और लोग इसे इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मज़े के वास्ते, लेकिन इसका क्या बुरा असर होता है ये कोई नहीं बताता। तो दोस्तों हम इस वीडियो को बहुत सारे करीब करीब 1,000 खाने वालों से जानकारी एकत्रित करके उसके इफ़ेक्ट को समझ के और उससे बात करके इसे तैयार किया है। उम्मीद कर रहे हैं आप इस वीडियो को देख करके आप भी को भी समझ में आया होगा, और आपने अगर इस्तेमाल किया होगा तो फिर आप हो जाइए सावधान, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक दवाई है और इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी खतरनाक होते हैं। मैं अंदर भी खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। दोस्तों मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मेरे को कोई कंपनी ने पैसे दे रखे हैं इसे बनाने के लिए या दिखाने के लिए या बिगाड़ने के लिए। ये मेरा अपना और एक्सपीरियंस है, और ये रोबस्ट न्यूज़ ऐसे ही खबरों को लाता है जो बिल्कुल सच होता है और सच्चाई को ढूंढ के दिखाता है। तो हमने भी एक सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया है,
हमारा ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि किसी कंपनी को बदनाम करना। इस पे ऑलरेडी लिखा हुआ भी है कि आप डॉक्टर के सलाह से ही खाएं, लेकिन आप सच सच में आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए आपने इसे कितने बार डॉक्टर की सलाह से खाया है, आपने इसे अपने दोस्तों की सलाह से खाया है, और जब इसके बुरे परिणाम निकलेंगे तो फिर आपके वो दोस्त जो सलाह दिया है वो दोस्त आपको नहीं मिलता है खोज करके। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इस दवाई को खाने के बाद कोई बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है तो हमें लिखिए कमेंट बॉक्स पे, हम इसका अल्टरनेट कुछ उपाय बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जानकारी दीजिए, सावधान रहें, अपने पाँव की हड्डियों को से बचाएं, एक्सीडेंट होने से बचें, आँख की रोशनी गंवाने से बचें, और अपने पेनिस के ना खड़ा होने वाली प्रॉब्लम से बचें, और इस दवाई को खाने के सारे बुरे इफ़ेक्ट से बचें, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो डॉक्टर की सलाह से खाएं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको भी अगर कोई बुरा इफ़ेक्ट पड़ा हो तो हमारे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू लिसनर्स।